अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खरीयत है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करें ना तुसी ठीक हो। सो मैं तुहाडे सामने फिट फाट खलोता, ठीक ठाक खलोता। अज मौस जात ते खलोता, जेड़ी जात मेरी गड्डी खलोती हुंदी पिछे, तो नजर आ रही गड्डी कोई नहीं इत्थे खलोती। गड्डी मेरी कित्थे खलोती है? उद्दे जाने आ तुहानूं लैके जाना, तुहानूं दसदा वी मेरी गड्डी कित्थे खलोती। ते अज माल इक सन लभ गया इत्थों, साडे इलाके दे विच इक अड्डा है, इत्थों माल सन लभ गया। ते माल किहदा हुंदा है ओह वी तुहानूं दसदा, तो जाके माल लोड करने। तो मेरे नाल रहना, वीडियो यार पूरी वाच की करो, थोड़ी मेहरबानी। जो तुम जो वीडियो छोड़ के वग जाते हो ना, पता भी नहीं लग जाता भी वीडियो आ कितन तक लोगों वेखी, आडियंस रिटेंशन का पता लग जाता, तो वो चैनल पर बड़ा असर पाता। थोड़ी मेहरबानी, औखे सौखे ने बर्दाश्त किया करो, मैं तो वीडियो जी पूरी वेखी करो। माल कड़ी शायद डंगर लोड करने, क्यों जी कुरबानी का सीजन है। कुरबानी के सीजन के डंगर साडे इलाके काफ़ी जाते हैं, व्यापारी शपारी भी इतने काफ़ी हैं साडे इलाके। डंगर जाते पिशावर साइड वाल, तो बहुत ढेर डंगर जाते हैं इतों, बाकी कराची हर इलाके जाते हैं। तो अज असी लोड कर रहे हैं तीमर गिरे दे, आमिर का भी माल बने, आमिर का माल बने पिशावर का, मेरा माल बने जी तीमर गिरे का। मेरा 65,000 किराया, आमिर का 55,000 किराया। तो जेडे डंगर वाले इधरों जो पिशावर के डंगर लोड करिए ना जी, उसका जोड़ा मोटरवे चलान हों ना, वो व्यापारियों देना होंगे। क्यों जो एक 6-व्हीलर गड्डी दे ना, 6 या 7 मेरे ख्याल डंगर अलाओ हैं, तो ये तुन छड़न देन 10-10, 11-11। जहर ज़्यादा डंगर लोड करे जुर्माना, उस तो जुर्माना व्यापारियों को भरना पी। तो जाने जाके डंगर लोड करे ने, चैनल तो नवे सबसक्राइब लाजमी करना, और वीडियो में ही हो सके तो लाइक करना। वेख जाते हैं कैरी डब्बे सियाला जिमें उसी ना, कैरी डब्बे वेख जाते दोस्तों। ये भाई का कैरी डब्बा है पिछे मेरे खलोता, तो मैं पैदा भी ये बेचना है, आप ही बैठा फलूदा खाँदा तो पैदा कैरी डब्बा बेचना। कितना मॉडल है? 15 मॉडल है, 15 मॉडल कैरी डब्बा है। तो वेख जैसी गड्डी तो नवी ब्रिजस्टोन दे टायर, यार क्या बात है, बाकी कंडीशन ही बहरल। तुम आखो तो रिव्यू में करे सा, चल ऐसा वीडियो बनाई सा, फिलहाल हूँ असं जाने ऐदर हो रही है, मेरी इंतजार है खले मैं गड्डी तेना जा छोड़ना, तो जा गड्डी स्टार्ट करे ना नाल, तो दसा ड्राइवर ही मेरा अज मेरे नाल कोई नहीं। अगे उमैर हों, उमैर ने एक चक्कर आमिर नाल गलिया, तो उसकी रेंज ही है कुछ हमी 2 महीने टिकता जिते भी जाए। तो उस आख्या भी जी मैं होर गड्डी से जा रहा, जी गड्डी से गया उद्दे भी सबब नहीं सू बनया, मैंने भी जवाब दे के गया। बहरहाल ईद तक मेरा इरादा ही कोई नहीं भी मैं उनको ड्राइवर रखा, क्योंकि ईद तो मेरा एक अपना पक्का ड्राइवर मेरे ना लगे, 1.5 साल चला ईद तो उस मेरे नाल आ जाना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो एक अद्धा चक्कर है किसी नाल छुआर छित्र लैके वो ला लेने, गुजारा हो जासी, क्योंकि मैं खुद जवाब दे के गया यार, उन्होंने मैं नहीं हटाया, मैं कभी भी ड्राइवर आप कभी नहीं हटाया, छड़ के जाते लगी रोज इन लत मार के गया, अगर भी सबब नहीं सू बनया। हूँ शर्म तो मैं नहीं याद आ पाया भी मैं रखो कुत्ता है तो की पिछू ऐदर पैदा पिछ कुत्ता आ गया, कोई रोला नहीं कुत्ता आ गया। तो बहरल तो हूँ ड्राइवर रखसा ईद पिछे उस आ जाने मेरे पक्के ड्राइवर, उन्होंने रखसा गड्डी के नाल, तो इंशाल्लाह जड़ा ना अल्लाह पाक रोज़ी बरकत देती है। छोटी जी शटल यार आया तो तिमर गरा खलोता है माली गड्डियों, तो यह सफर ही कोई नहीं महसूस होता, जापानी गड्डियां ना, इन्हें तो बंदा थकता है इतने सफर से, तो ना ये थकदियाँ डंगर हैं कड़ा वजन आना। वापसी भी अल्लाह देसी रोजी कोई उतो फ्रोड शरूड का पता कर सब गया ठीक है, नहीं तो मार्बल क्रश तो आँदी जो है। चमड़ा बोर्ड स्टॉप, अच्छा चमड़ा बोर्ड भी इतों जो रोड जाता है, पिछले वीडियो में तुम जिक्र किया चिमरा वाली रोड जाता है, 26-27 किलोमीटर इतों चिमरा वाली, यानी इतों फैसलाबाद रोड जंग फैसलाबाद रोड 26-27 किलोमीटर है। इस रोड तो 2 जावा माल मैं लोड करना इंशाल्लाह। अड्डे वाले अगले व्यापारियों दस छड़ा भी गड्डी निकली हुई है,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਹਾਲੀ ਖਲੋਤੇ ਥਾਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੂੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਲਦੀ ਆ ਲੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 8-10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕ ਕਾਟੂ ਮਾਲ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋੜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੀਮਰ ਕਰੇ ਦੋ ਦਾਂਦ ਇੱਥੋਂ ਲੋਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਦਾਂਦ ਹੈ 8-1 ਮਣ ਦਾ ਦਾਂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨਦੇ ਪੈਣ ਉਹ ਹੈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਮਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰਾ 8 ਮਣ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੱਸੀ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਂਦ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਂਦ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਛਿੱਕੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਡ ਪਿੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ 8-1 ਮਣ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦਾਂਦ ਹੈ ਅਤੇ 2,40,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਨੇ 2,40,000 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਨੇ ਮਣ ਦਾ ਦਾਂਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਂਦ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਲੱਦੇ ਬੜਾ ਦਲੀਲ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਐਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਡਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡੱਠਾ ਅਤੇ ਮੋੜੋ ਬਣਾ ਵਧਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਬੱਚੇ ਹੱਥਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖਦੀਆਂ ਲਿਆਰੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਦ ਲੈਣ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 7-8 ਹੋ ਸਨ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਲਪੂ ਹੋਵੇ ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਟਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਇਸ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਦਰ ਸਮਝੇ ਨਾ ਲੈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੋਟਰਵੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਘੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ